फिजिक्स सबसे पहले क्यों और केमिस्ट्री बाद में, यही आपका एनएमसी फॉलो करने वाला है। मान लीजिए आपके और किसी और बच्चे का सेम स्कोर है नीट में। केमिस्ट्री में भी अगर मैं आपको बताऊं, आप पर चैप्टर अगर 150 साल लगा रहे हो ना, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। लेकिन कहां से लगाएं और लवली मॉलिक्यूल्स, मैं हूं अनुभा गौर, आपकी मास्टर टीचर एट वेदांतु, और आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूं ऑन डिमांड। आप लोग काफी टाइम से पूछ रहे थे कि मैम नीट की वो कौन सी किताबें हैं जो हमें डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए और वो किताबें जो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन काफी टफ होने वाला है। अगर आपको जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको, अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ, 650 प्लस करना ही पड़ेगा, और अगर 690 प्लस लेके आ रहे हैं दैट इज लाइक अ वेरी गुड स्कोर, तब आपको कुछ नहीं सोचना। तो अगर उस स्कोर पे पहुंचना है तो अच्छी किताबें तो फॉलो करनी पड़ेगी, वो किताबें जो आपकी हेल्प करे इस जर्नी के थ्रू, राइट? तो हम बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं इस वीडियो में डिटेल से। तो चलो जानते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले फिजिक्स की बात करेंगे, फिर केमिस्ट्री एंड फिर बायोलॉजी। फिजिक्स सबसे पहले क्यों और केमिस्ट्री बाद में, बायो बाद में क्यों? क्योंकि यही ट्रेंड, यही वाला पैटर्न आपका एनएमसी फॉलो करने वाला है। मान लीजिए आपके और किसी और बच्चे का सेम स्कोर है नीट में, तो किसको ज्यादा बेहतर रैंक आएगी? उसकी जिसके फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर होंगे। अब मान लीजिए 5 बच्चे हैं, उसमें से 3 बच्चों के फिजिक्स में सेम नंबर है, फिर क्या करेंगे? फिर केमिस्ट्री के मार्क्स के बेस पे देखा जाएगा और लास्ट में बायो के मार्क्स को वैल्यू दी जाएगी आपकी रैंक डिसाइड करने में। तो चलिए इसी ऑर्डर में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम किन किताबों पे पैसा वेस्ट करें किन पे नहीं, है ना? पैसा वेस्ट क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप स्टार्टिंग में खरीद लेते हो इतनी सारी किताबें, पर जेन्युइनली सोच के देखिए कि आपके पास इतना समय होता है कि आप एक सब्जेक्ट की 4 किताबें फॉलो कर सके या 5 किताबें फॉलो कर सके, नहीं, और ये एक्चुअली में पैसा वेस्ट है। तो क्यों ना कुछ स्टैंडर्डाइज बुक्स पे ही पैसा लगाया जाए जो आपको पता है कि आपको रिटर्न देगा ही देगा। रिटर्न इन व्हाट फॉर्म? आपके नीट क्लियर होने के साथ साथ अच्छी रैंक बनाने में भी। तो फिजिक्स की बात करूं, बच्चे मेरे पास ये वाले सारी लिस्ट लेके आते हैं, एचसी वर्मा, एररलेस, उसके बाद डीसी पांडे, देन डेफिनेटली एनसीईआरटी। तो अगर मैं बोलू हाँ भाई है पैसे और है रिसोर्सेज, है इतना टाइम, तो बिल्कुल चारों किताबें खरीदो। बट अगर मैं एचसी वर्मा की बात करूं ना बच्चों, तो वो पर्सनल मतलब ओपिनियन है, आप डेफिनेटली हो सकता है अग्री ना करें, वो जेई के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। जब मैं फिजिक्स की बात करती हूँ, हाँ आई अग्री, हर एक जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल बेस ज्यादा होता है फिजिक्स में, तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। एच सी वर्मा कहीं ना कहीं आपके सारे कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई तो करता है, लेकिन उनके सवालों का लेवल काफी ज्यादा होता है। शायद आपको मजा है सॉल्व करने में, बट क्या आपको नीट में हेल्प मिलेगी? तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, फॉलो करना चाहते हैं करिए, बट मुझे लगता है कि उसको अपनी प्रेफरेंस में नीचे रखिए। एररलेस की बात करूं, आप डेफिनेटली इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया था एनसीईआरटी सबसे ऊपर रखिए। फिजिक्स में एनसीईआरटी रेलेवेंट है कि नहीं? हाँ बच्चों रेलेवेंट है। कई जो सवाल होते हैं ना, वो लाइन जो स्पेशली थ्योरी वाला पार्ट है, वो लाइन टू लाइन पूछ लेता है, एनसीईआरटी की लाइन उठा के एनटी आपके नीट के एग्जाम में डाल देगा। तो डेफिनेटली पहली प्रेफरेंस आपको किसको देनी है? एनसीईआरटी को। उसके बाद डेफिनेटली आप एररलेस जरूर फॉलो कर सकते हैं। डीसी पांडे फॉलो करना ना करना डेफिनेटली आपकी चॉइस है, बट मेरे अकॉर्डिंग कहां पे आपको अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए और अपना एफर्ट इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले एनसीईआरटी, और वो भी कौन सी एनसीईआरटी? न्यू एनसीईआरटी नहीं, पुरानी एनसीईआरटी जो 2021-22 वाला एडिशन है, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है? क्योंकि उसमें वो सारे चैप्टर्स हैं जो आपकी नीट के सिलेबस से अलाइंड है, उसकी लाइन टू लाइन पढ़िए। लेकिन दिक्कत होगी तो क्या हेल्प करेगा? आपके टीचर्स के वीडियोस, जिन भी टीचर्स का आपको बहुत अच्छे से समझ आता है उन टीचर्स की वीडियोस को फॉलो करिए, क्योंकि हो सकता है एनसीईआरटी के कुछ कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल आ जाए, तो वो आपको आसान बना देगा। फिर आप चाहें तो एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स फॉलो कर सकते हैं आपके सवाल लगाने के लिए, क्योंकि वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन से सवाल बना देता है, फिर टाइम बचा तो एररलेस की तरफ देख सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी एनसीईआरटी विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड योर एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? बट अगर चाहो तो एररलेस को फॉलो कर सकते हो, जस्ट मेरा ओपिनियन है, राइट? अग्री? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं बच्चों। केमिस्ट्री में भी अगर मैं आपको बताऊं, आप पर चैप्टर अगर 150 सवाल लगा रहे हो ना, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही जा रहे हो।
लेकिन कहाँ से लगाएं और क्या किताबें पढ़ें? एनसीईआरटी है ना? यस, एनसीईआरटी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए रेलेवेंट है क्या? मान लिया इनऑर्गेनिक के लिए बहुत रेलेवेंट है एंड 100% ट्रूथ है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको सवाल उठा के दिखाए हैं लाइन टू लाइन कि एनसीईआरटी की, देखो ये लाइन हाईलाइट कर रखी है, यहीं से सवाल बनाए हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो आपको एक भी लाइन जो है ना एनसीईआरटी की वो नहीं छोड़नी है, लाइन ऐसे उठा के दे देते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना मल्टी कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज होते हैं। मान लीजिए आपने एक रिएक्शन पढ़ी तो वो डायरेक्टली वो रिएक्शन नहीं पूछ रहा, 3-4 रिएक्शन को एक साथ एक सवाल में पूछ रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आप मास्टरी कैसे हासिल करोगे जब आप एक साथ उन चैप्टर्स को पढ़ के बार बार रिवाइज तो कर रहे हो लेकिन सवाल बहुत सारे लगा के देख रहे हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री से भी थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, इट्स अ बिग यस, और वो भी लाइन टू लाइन पूछे गए हैं। और सवाल में भी क्या करता है ना, एनसीईआरटी के जो सवालों की वैल्यू चेंज करके कई बार दे देता है। तो यस, एनसीईआरटी इन तीनों एस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ही, बट आप एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स जरूर फॉलो कर सकते हैं जिसमें हर एक लाइन के आपको डेफिनेटली बहुत सारे सवाल मिलेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी और बढ़ जाए, किस तरीके के सवाल पूछ सकता है एनसीईआरटी से वो भी सॉल्व हो जाए। फिर आप एक किताब जरूर खरीद सकते हैं, वो है 35 ईयर्स के नीट के पुराने सवाल, ये MTG पब्लिकेशन के थ्रू आपको मिलेगी। अब ये सवाल आता है कि मैम क्या 35 ईयर्स के सवाल लगाने जरूरी है? नहीं बच्चों, क्योंकि 30 साल पहले जो नीट होता था ना उसका पैटर्न और आज के नीट के पैटर्न में काफी डिफरेंस है, तो रेलेवेंस कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। इवन अगर मैं ये बोलूं कि लास्ट 3 सालों में भी नीट के पेपर का जो पैटर्न है वो काफी हद तक बदला है। पहले MCQs पैटर्न ज्यादा फॉलो होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अब एनालिटिकल थिंकिंग की तरफ अप्रोच कर रहा है कि वो केस बना के पूछ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं, ठीक है, आपको मल्टीपल स्टेटमेंट में से चूज करना होता है कौन सा सही है कौन सा नहीं, मैच द फॉलोइंग टाइप के सवाल भी आते हैं। तो वो पैटर्न अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, तो मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा पुराने सवाल लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप 15 सालों के सवाल लगा रहे हैं वो भी मोर देन सफिशिएंट है, 10 साल इज अ गुड नंबर फॉर मी। दो, ठीक है, तो क्या फॉलो करना है? एनसीईआरटी टीचर्स के लेक्चर्स अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो, क्योंकि वो समझाने में हेल्प करेगा। उसके बाद सवाल लगाओ, कहां से सवाल लगाओगे? एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, क्योंकि मुझे बच्चों से भी ये बहुत सीनियर से तुम्हारे बहुत सुनने को मिला, इट्स अ गुड बुक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली आप पुराने साल के सवाल लगा सकते हो। एक चैप्टर के कितने सवाल लगाने हैं? कम से कम 150 सवाल लगाने हैं। That's it. This is your journey. KL Kapoor, JD Lee, और भी बहुत सारी किताबें आप खरीदते हो, OP Tandon है ना, मतलब फलाना ढिकाना, बहुत सारी किताबें, उस पर पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं, it's more than sufficient, right? चलिए, अब केमिस्ट्री की बात हो गई, अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है आपके एग्जाम में और सबसे ज्यादा नंबर का आता है, 360 यानी कि आधा आपका नीट का पेपर कहाँ से आता है? डेफिनेटली बायोलॉजी से, बॉटनी एंड जूलॉजी से। कौन सी किताबें पढ़िए? फिर से मेरा यही जवाब होगा, 10 किताबें मत खरीदिए, अपना पैसा मत वेस्ट करिए, एनसीईआरटी को अपनी होली किताब मांगना है ना, वही आपकी सबसे होली किताब होनी चाहिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम आएगी आपको। अगेन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है। सवाल कितने लगाने हैं? अगर आप बायो की बात करो, अगर आप हर एक चैप्टर से 200 सवाल लगा रहे हो, इट्स मोर देन सफिशियंट, ठीक है, मोर देन सफिशियंट मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ। तो एनसीईआरटी पढ़ ली, लाइन टू लाइन पढ़ भी ली, बहुत सब समझ में भी आ गया, फिर सवाल कहां से लगाओगे? अगेन एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स और PYQs, पुराने साल के सवाल, 10 साल के लगाओगे मोर देन सफिशियंट। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं मैम ट्रू मैन भी फॉलो कर सकते हैं क्या? मैंने बोला ना, करना चाहते हो 10 किताबें कर सकते हो, बट क्या आपके ये 2 साल की जर्नी में, अगर आप 1 साल बाद नीट का एग्जाम देने वाले हो तो इस 1 साल की जर्नी में आपको हेल्प करेगा? क्या आपके पास इतना टाइम है? स्टूडेंट्स हार्डवर्क के साथ ना स्मार्ट वर्क बहुत काम आता है। अगर आप सिर्फ हार्डवर्क करते जा रहे हो और उसको प्लान नहीं कर रहे ना सही डायरेक्शन में, उसका कोई पॉइंट नहीं होगा। हाँ, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आप 10 किताबें पढ़ रहे हो, अरे इसमें बहुत अच्छा लिखा है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छा लिखा है, बट अल्टीमेटली क्या वो आपको गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहा है? क्योंकि नीट एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट पढ़ाई, इट्स कंसिस्टेंसी,
इट्स एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑल्सो, क्योंकि 180 मिनट, चलो 200 मिनट, आपको 20 मिनट में पेपर स्किम करके सवाल कुछ हटाने भी है, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक के 50 सवाल मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, जिसमें से 45 करने हैं। केमिस्ट्री हो गया आपका, बायो हो गया, बायो में बॉटनी जोलॉजी 50-50 मिलेंगे, 45-45 करने, फिजिक्स हो गया 50 मिलेंगे, 45 करने, तो 180 सवाल इन अ वे 180 मिनट में करने हैं। तो आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि सवाल पे अटक गए, स्ट्रैटेजी काम नहीं की, ये वहां से पढ़ा था याद नहीं आ रहा, वोंट वर्क ओवर देयर। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी, ठीक है, क्योंकि आपके साथ हर एक बच्चा उस एनसीईआरटी को पढ़ रहा है, आप कैसे अलग हो उस बच्चे से, क्योंकि आपको उस एनसीईआरटी को सिर्फ रटना नहीं है, उसको अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि इस लाइन का क्या मतलब था, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल डायरेक्टली एक लाइन से पूछ लिए, बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं क्या ये एनसीईआरटी से आया है, हाँ बच्चों को एनसीईआरटी से आया है, बट तुमने उसको ढंग से नहीं पढ़ा, मतलब ये नहीं है कि आप 15 से 20 बार पढ़ो, मतलब ये है कि चाहे आप 7 या 8 बार पढ़ो, चाहे 5 बार पढ़ो, लेकिन उसको ऐसे पढ़ाए कि आपको लाइन बाय लाइन समझ आ गई। दैट्स द होल पॉइंट एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू स्कोर बेटर, दैट्स द रीजन कि आप जो है एक्यूरेट आंसर कर पाएंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। और दूसरा एक्यूरेट आंसर करने का रीजन क्या होगा, जब आप हर दिन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, उसको अपना डेली रूटीन का हिस्सा बना लेंगे, ये बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट पेपर जरूर देना है, चाहे आपके नंबर कितने खराब क्यों ना हो, क्योंकि आप उस सेम पैटर्न को ना नीट के पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हो, उसको बार बार रिपीट करने से आप उसके आदी हो जाओगे, एनवायरमेंट आपने अडेप्ट कर लिया, तो एग्जाम के टाइम पे घबराओगे नहीं, आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ये मेरा मानना है। तो आई होप इस सेशन से आपको बहुत हेल्प मिली है, आपको किन बुक्स पे इन्वेस्ट करना है, किन पे नहीं, आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई है। अब बस सोच क्या रहे हो, कर डालो, प्लान कर डालो, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क के साथ प्लान करना है, स्मार्टनेस बहुत जरूरी है आजकल, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, आई होप इट हेल्प्स, कमेंट करके बताना और बाकी दोस्तों को भी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो जरूर पास करना। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।